सत श्री अकाल दोस्तों, मैं थोड़ा होस्ट है दोस्त दलजीत अजनोहा। असी अज जिहड़ा प्रोग्राम साडा आ जी गुरु घरां दे दर्शन दिदारे, उस प्रोग्राम के तहत असी हिमाचल के लास्ट पिंड टिब्बियां विखे पहुँचे हाँ, डेरा जोत मारगीए विखे, जिथे डेरे के मुख संचालक संत बाबा रतन प्रकाश जी के नाल डेरे संबंधी, डेरे के इतिहास संबंधी ते होर जिहड़े इत्थे आ रहे हैं, जिस तरह बड़े बाबा जी जिहड़े सीगे इत्थे, उन्हां दे वल्लों कीते कारजां संबंधी गलबात करांगे। की कहिंदे ने ओह, आओ अज उन्हां दे नाल गलबात करदे हां। बाबा जी, असीं अज डेरा जोत मारगीए पिंड टिब्बियां जिहड़ा हिमाचल का लास्ट पिंड आ, उत्थे आए तुहाडे कोल, तुसीं सानूं इस डेरे दे जिहड़ा इतिहास आ जां डेरे दे विच किहड़ी किहड़ी स्थिति संगतां आउणियां, जिवें तुसीं दवाइयां दी गल कीती आ, दवाइयां फ्री ऑफ कॉस्ट देने हो, जिवें जो भी मरीज़ दे जिहड़ी जरूरत मुताबक, इह सानूं जिहड़ा डेरे दे बारे जिहड़ी पूरे विस्थार दे नाल साडे दर्शकां नूं जरूर दस्सो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं संत रतन प्रकाश इस डेरे दे उत्ते इस वेले जो सेवा निभा रहा हाँ, ये डेरा जोत मार गई है संत ब्रह्म ज्ञानी पातशाह हरनाम दास जी, तिना दे सेवक सतगुरु ओम प्रकाश जी नरासी, जिन्होंने ये डेरे की स्थापना की और उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच निरंतर जो समाज की सेवा दवा देसी दवाई ना जड़ियां बूटियां नाल की, उपरंत उन्होंने जो उपदेश संगतां नूं गुरबाणी नूं मन्नण दा ते गुरबाणी ते चलण दा संदेश दिता, सब नूं नाम जपण दी जड़ी वह प्रार्थना करया करदे सन, बेनती करदे सन। इस प्रकार सतगुरां दी अपार बख्शिश दे नाल इह डेरा जिहड़ा वह उन्हां दे तप स्थान दे तौर ते मन्निया जा रहा है, कि इस स्थान ते उन्हां ने काफ़ी समां जिहड़ी उह तपस्या कीती, ते इस जगह ते शुरू विच आण के उन्हां ने एक छोटी जिही छन बना के जिस दे विच उन्हां ने रहायश कीती। इस करके कई जड़े जानकार ने, आम जड़ी पब्लिक है साधारण, वह कुलियां वाले जां छन्नां वाले कह के भी संबोधन कर लैंदी है, ते महापुरख हमेशा ही हाथ विच ढांगू रखदे सन, ते बहुत संगत जिहड़ी उह ढांगू वाले संत कह के भी बुलांदी है। सो महापुरखां दी अपार बख्शिश नाल जिन्ना चिर उन्हां ने अपने शरीर दे विच रहे, उन्हां ने इत्थे सेवा निभाई, उपरंत दासां नूं जिहड़ी है सेवा बख्शिश की गई, ते दास भी इस जगह ते अपने परिवार दे नाल इस सेवा दे विच हाजिर है, हर एक प्राणी नूं हरेक तरह की देसी दवाई दे नाल जिहड़ी सेवा हुंदी है, ते जो गुरबाणी का संदेश है वह दस्या जांदा है, नाम जपो किरत करो वंड छको दी जिहड़ी उह सारियां नूं हदायत दित्ती जांदी है। ते उपरंत एक गल मैं होर करना चाहांगा कि सतगुरां दी जिहड़ी बख्शिश दे नाल इस जगह दे उत्ते एक सालाना भंडारा भी हुंदा है, जो अस्सू दे नरातियां दा पहला एतवार है उस नूं मनाया जांदा है। सो संगतां दी बेनती है, अपार बख्शिश है, बहुत दूरों दूरों संगतां जिहड़ियां दवाई दे नाल इत्थों लाभ लै रहियां ने, सो बहुत बहुत धन्नवाद। दोस्तों, असी दस दईए संत बाबा रतन प्रकाश जी जिहड़े संचालक ने, असी पहलां भी हर प्रोग्राम दे विच दसदे हां कि साडी इहो जिहा कोई आदेश जां मंतव नहीं हुंदा कि असी किसे डेरे नूं प्रमोट करिए जां किते जिवें आम लोकां नूं वहिमां भरमां दे विच पाया जांदा असी उहनां डेरियां दी गल करिए। असी हमेशा साडी कोशिश रहिंदी असी उहनां स्थानां ते धार्मिक स्थानां ते तप स्थानां ते जाइए और उहनां दी जानकारी लईए, उहनां दे इतिहास बारे जाणीए, जिहड़े लोक बाणी ते बाणे नाल जोड़दे ने जां जिथे वहिमां भरमां तों दूर हट के लोकां नूं समाज दे जिहड़े विच विचरदे आ उहनां नूं सही रस्ते सही मार्ग ते पाया जांदा है। जिवें बाबा जी ने दस्सिया, इत्थे प्रोग्राम कीते जां धार्मिक समागम हुंदे सालाना, तो महापुरशां नूं जिवें वख-वख नामां दे नाल संगतां जाणदियां सन, वो जिहड़े महापुरश जिथे अपनी देसी दवाई जड़ी बूटियां, असी जिस जगह ते बैठे हां उत्थे वख-वख तरह की बनस्पति है जिहदे विच हर तरह की जिहड़ी पहाड़ी बनस्पति मिलती है जिथों दवाइयां तैयार कीतियां जांदियां, ते संत बाबा रतन प्रकाश जी खुद अपने परिवार दे जिवें इन्हां दस्सिया अपने परिवार दे नाल रहिंदे ने, ते वो आप खुद दवाइयां तैयार करके जिहो जिहा भी मरीज इन्हां नूं आउंदा जरूरत मुताबक जिस तरह की सोझी इन्हां नूं उस मरीज़ के मुताबक हुंदी है उस तरह की दवाई इन्हां नूं निःशुल्क जिहड़ी उन्हां नूं दित्ती जांदी है। जदों मरीजां नूं आराम आउंदा है ते वो बाबा जी दे दरबार ते नतमस्तक हुंदे हन। सो असी हमेशा कोशिश यही करदे हां कि जिहड़ी भी कोई गलबात करिए जिस भी स्थान पर जाइए असी उहदी उपमा करिए, असी उहदे नाल दी नाल इतिहास भी दसीए तां कि साडे दर्शकां नूं इह भरम ना रहे कि असी किसे तरह की प्रमोशन करदे हां जां डेरियां दे विच प्रमोशन करदे हां जां लोकां नूं मगर लगाउंदे हां। सिर्फ ते सिर्फ साडा इही हुंदा कि जिहड़ियां संगतां जिवें हिमाचल दे लास्ट पिंड टिब्बियां दे विच असी बैठे हां, इत्थे सिर्फ ते सिर्फ साडा मकसद इही है
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ मैं बस यही कहांगा सारी संगतां नूं बेनती करांगा कि अज दे समें दे विच जिस तरह बहुत लोग भरम भुलेखियां दे विच वहिंदे ने क्योंकि वह गुरबाणी दे ज्ञान तो अधूरे ने जिस वेले आपां गुरबाणी दा ज्ञान लैने आ ते गुरबाणी दे विच साफ इन्हां वहिमां भरमां दी कोई जगह नहीं है सो महापुरखां दा भी उद्देश यही सीगा असीं भी यही प्रवचन लोकां नूं सुनाया करदे आ कि गुरबाणी नूं मन्नो गुरबाणी नूं पढ़ो ते गुरबाणी ते चलो सो उहनां ते चलण दी जिहड़ी हदायत जरूर है कि जो गुर कहे सो कार कमाओ जो गुरबाणी सानू कह रही है वह सानू कार करनी चाहिए है ता जो असी अपना जिहड़ा जीवन है वह सुखाला वहमां भरमां तों जिहड़ा बाहर मुक्त हो के इस जीवन नू आनंदमई ढंग नाल बतीत कर सके। दलजीत अजनोहा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।